सो वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो प्रभु सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए ऑटो क्लासिक कार एसेसरी जो कि अपना करोल बाग में है हमारे साथ भाई। भाई अपन नाम बताइए अपना। विपुल नाम है भैया। विपुल भाई हमारे साथ है। आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2024 ग्रैंड विटारा जेटा मॉडल है। जेटा मॉडल है वो। सही पहचान गए। अरे अरे शीशे दिख गए ना मेरे को। जेटा मॉडल है, बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप। मतलब टॉप मॉडल में भी गाड़ी में काम हो जाता है? टॉप मॉडल गाड़ी में भी काम होता है, और क्या क्या काम होता है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अच्छा, बेस मॉडल की तो करते रहते भैया। हाँ। जेटा मॉडल रहने वाला है, इसके अंदर भी हमने कन्वर्जन किया है, वो भी बताते हैं क्या क्या। फ्रंट से भी है, इसके अंदर हमने बस एक फॉग लाइट लगाया है जो कि आप देख सकते हो, 2 इंच का प्रॉपर फ्रेम वाला जो आपका आता है प्रोजेक्टर आप ना देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग लगा दिया। और ये लगाने का एक रीजन था क्योंकि इसकी LED अपग्रेड नहीं होती है। अच्छा, क्योंकि इनबिल्ट LED रहती है, इसकी फोकस जो होती है बहुत कम होती है, डिम अच्छा। लाइट रहती है जिसकी वजह से हमें आपको दोबारा डाल नहीं सकते क्या? हेडलाइट वाली है किसकी? हेडलाइट ऑन है ना? नहीं, हाँ अब ऑन है। हेडलाइट ऑन है? हाँ, ये हेडलाइट की लाइट है बस। अच्छा, अब ये लो फॉग लाइट। फॉग लाइट की ज्यादा रोशनी है तो भैया इसके अंदर लाइट की कमी के कारण ना इसके अंदर फॉग लाइट डाला हमने प्रॉपर। ठीक है, फॉग लाइट की प्रॉपर आप प्लेस देख सकते हो। हाँ। ठीक है, फॉग लाइट हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया। जेटा मॉडल के अंदर या सिग्मा मॉडल के अंदर आप अपनी फॉग लाइट इंस्टॉल करवा सकते हो, कि अगर किसी को लाइट की प्रॉब्लम सॉल्यूशन फेस करना पड़ रहा है बिल्कुल, तो आप अपनी इसके अंदर फॉग लाइट 2 इंच की प्रोजेक्टर वाली लगवा सकते हो। थ्रो तो बढ़िया रहेगा। थ्रो जबरदस्त है भैया, थ्रो के अंदर कोई कमी नहीं है। थ्रो अपने वाला लगाना। कौन सा वाला? अपने वाला लगाना ये। अपने वाला क्या? मेरे में भी तो ये लग रहा है। आपकी गाड़ी में भी यही लगा है, 2 इंच का प्रोजेक्टर लगा। सेम वो वाला लगाने वाला। ठीक है भैया, जेटा मॉडल के अंदर एक तो हम फॉग लाइट अपग्रेड कर सकते हैं, गार्निश के आइटम्स लगा दिए भैया। ठीक है, इनके लिए भी 90% डिस्काउंट रहने वाला है। अच्छा, काम अगर होता है तो। ठीक है भाई, जैसे इनके अंदर हमने जो जो काम किया वो आपके साथ सारे शेयर करेंगे। 90% इन पे भी डिस्काउंट रहने वाला भैया। 590 की अपनी हेडलाइट की पियानो रहने वाली, उसके ऊपर 90% डिस्काउंट कर सकते हो। ठीक है भाई, हॉर्न अपग्रेड करवा सकते हो इसके अंदर, हाई पावर अपना हॉर्न। ठीक है, हमने तो भैया इसमें इतना ही चेंजेस किया है, एक फॉग लाइट, एक हॉर्न और बाकी गार्निश के आइटम लगाए हैं। ठीक है भाई, बढ़िया। बात करते हैं भैया, अगर सिग्मा वाले व्यूअर्स हमारी गाड़ी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए भी रहने वाला है। बेस टू टो मॉडिफिकेशन करवाते तो अलॉय व्हील उनके लिए रहने वाला मात्र 15,000 रुपए, जो डायमंड कट ओरिजिनल कंपनी फिटेड आता है। बिल्कुल भाई, सेम अलॉय व्हील मिल जाएगा आपको 15,000 रुपए में। बिल्कुल, ये भैया क्रोम है, अभी गंदा हो रहा है इसलिए आपकी वजह से उसको लग रहा है। ये क्रोम के अंदर फिनिश आती है, ब्लैक एंड क्रोम के अंदर। बिल्कुल भाई, फेंडर गार्निश भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है भैया, जो कि आपको मिल जाएगी। देखो भाई क्रोम है, ड्यूल टोन कर दिया भैया गाड़ी को हमने रैप। ओके, जो आप देख सकते हो एविडेंशियल सीरीज की रूफ ब्लैक कर दिया। ओके, पूरी गाड़ी के अंदर। और इसके ऊपर मॉडल आते ना हाइब्रिड के अंदर अल्फा प्लस, तो इसमें क्या होता है, ये पियानो आता है। अच्छा, ये पियानो आता है जैसे ये अल्फा में चले जाते हैं। हाँ, अल्फा में, ये तो जेटा है। हाँ। अल्फा में जाते तो ये पियानो आता है, अगर किसी को अल्फा प्लस मॉडल भी बनाना है तो ये पियानो भी लगवा सकते हो। वैसे तो देखा जाए गाड़ी तो टॉप ही है, टॉप ही है, वैसे भी टॉप ही है गाड़ी भैया, फिर भी वो नहीं है पियानो। नहीं है पियानो, नहीं है जेटा मॉडल में वो, उनके अब क्या है इसके अंदर 360 भी नहीं है भैया। हाँ बिल्कुल, आप चाहो तो 360 भी, अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो हमारे पास एंड्रॉइड है 9-10 इंच का, उसके भी आप अपने साइड मिरर ऑटोफोल्ड भी करवा सकते हो और 360 भी कर सकते हो। ओके, ये अंदर से ऑटोफोल्ड है, चाबी से भी ऑटोफोल्ड नहीं होती। अच्छा, रूफ रेल लगा दिया भैया, ओरिजिनल अपना मारुति का ओरिजिनल रूफ रेल रहने वाला है, जिसकी कॉस्टिंग रहने वाली 4,000 रुपये। ठीक है भाई, 4,000 रुपये में हम आपको रूफ रेल दे देंगे। डोर वाइजर साइड फिटिंग की बात की जाए, इस पे फ्लैट 90% डिस्काउंट रहने वाला है। ओके भाई, वो भी हमने पे किया है। बिल्कुल, ये क्या है भैया, आप अपनी इसकी गार्निश की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा ये रहने वाला है रिप्लेस पार्ट, ओरिजिनल। हमारे क्या होता है भैया, इस पे पेस्टिंग हो जाती है जो गैलियो वगैरह की होती है। अगर किसी को रिप्लेस वाला पार्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा, रिप्लेस वाला भी मिल जाएगा हमारे पास, सारे ऑप्शन अवेलेबल है भैया। गाड़ी हमने पूरा ही डबल लेयर डैम्पिंग कर दिया, वो शॉर्ट में तो देख ही लिया होगा, बिल्कुल डबल लेयर, छत भी, डोर भी, अंदर की फ्लोर भी, वो भी नहीं आती सनरूफ, सनरूफ नहीं है ना इसके अंदर, सनरूफ नहीं है, सनरूफ भी तो नहीं है, सनरूफ नहीं है ना, जेटा मॉडल है ना ये। दबा के देखा ना, दब रही है? दबेगी नहीं भैया, नहीं दबेगी बिल्कुल। अब छत भी डैम्प हो गया, फ्लोर भी डैम्प हो गया, अब बिल्कुल नॉइज जो होता है ना, नॉइज कैंसिलेशन पूरा हो गया गाड़ी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो दरवाजे भी कर देंगे, दरवाजे भी कर दिए। अब ये देखो गाड़ी के अंदर, अब बात करते हैं भैया, एक आपको चीज दिखलाता हूँ। क्या? टिंट तो ग्लास आता ही है। बिल्कुल, अगर किसी को जेटा मॉडल का टिंट ग्लास पूरा रिप्लेस कराना है ना, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। यूवी कट वाला, पूरा यूवी कट वाला हमने इसके अंदर लगा दिया भैया, प्रॉपर कर्टन।
अच्छा ये देखो हाथ तो ऊपर रह गया सी, वो ज्यादा ही नीचे दबा दिया मैंने एक्साइटमेंट ये वाला आप देख सकते हो, रोलर कटर भी अपने पास अवेलेबल है। बट इसमें क्या है भैया, क्रेटा सेल्टोस के अंदर क्या आता है, ये नीचे से आता है, हाँ, ये वाला ऊपर से आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, चारों डोर्स के अंदर हमने लगा दिया, जो कि आप देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ये भी देख सकते हो, तो प्रॉपर हैवी क्वालिटी में रहने वाला ना ये, प्रॉपर हैवी क्वालिटी के अंदर रहने वाला भी यार। इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव है, बस ये दरवाजे में छेद हो जाता है। हाँ वो पेच लक के होता है, ये पेच लक के होता है, बाकी कुछ नहीं। उतारना हो तो फिर बहुत बुरा लगेगा। हाँ और अब देखो एक्चुअली क्या होता है, ये तो लग गया तो अब एक बार परमानेंट और फिक्स हो गया, बिल्कुल। अब ये अगर कभी जाली फट गई तो फिर चेंज ही करवाओ, वही तो कह रहा हूँ, ये फिक्स हो जाता है हमेशा की तरह, लुक वाइज वैसे ठीक है। अलॉय व्हील भी बता दिया भैया आपको, 15,000 रुपए का बेस्ट टू टॉप मॉडिफिकेशन पर अलॉय व्हील दे देंगे। यार एलोए तो पुराना लग रहा है, मैंने नहीं लगाया ना भैया, और ये नट तुमने नए लगा दिए। कौन से नट? अरे ये तो अभी नट चोर नट लगवाए हैं सेफ्टी के लिए। चोर नट नहीं होता जो मतलब अभी खुलेगा नहीं, इसकी चाबी अलग ही आती है। चोर नट क्या होता भाई? वो चोर नट चोर से बचने के लिए चोर नट होता है ना। अरे वो छह मुंह वाला होता है नट यार। अब वो कोई सा भी हो सेफ्टी के लिए ये नट लगवाया है भैया ने। मैं भी लगवा लूं क्या सर? नहीं आपकी तो गाड़ी अंदर खड़ी होती है। छत ब्लैक है भैया, ड्यूल टोन पूरा, वाइपर इसमें लगा हुआ आता है, ठीक है। बेस मॉडल में अगर वाइपर लगाना है या डेल्टा मॉडल में, सिग्मा या डेल्टा में, तो वाइपर भी इंस्टॉल करके देते हैं। डिफोगर ग्लास चेंज होगा, पूरी वाइपर लगेगी, मोटर लगेगा, नोजल आता भी है, नोजल लगेगा, वाटर और असेंबली पूरी चेंज होगी, बिल्कुल भाई, ठीक है। ये सारे पूरा जो भी लगता है सामान वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। गार्निश के आइटम कोई भी लो, 90% आपको फ्लैट डिस्काउंट है। पीछे का बैक बम्पर गार्ड लगा दिया इसके अंदर हमने। और ये कहां पत्ती लगा दी, तो बीच में लगती है क्या? नहीं पत्ती वही आती है इसके अंदर। ये क्या है, सीएनजी है ना? अच्छा सीएनजी, हां ये सीएनजी के अंदर अपना टॉप मॉडल है। हां बूट लाइट भी हमने लगा दिया। बूट लाइट तो आता ही यार, हमने लगाया। अच्छा बल्ब हमने लगाया ना उसमें, बल्ब हमने लगाया ना उसमें। अच्छा बूट लाइट तो वैसे ही फ्री में आता है, तेज चल रहे हैं आजकल ये। आउटर वर्क तो पूरा ही आपको दिखला दिया भैया, बिल्कुल भाई, ठीक है। ग्लोसी कराना है ग्लोसी हो जाएगा, छत तो हमने ब्लैक ग्लोसी कर दिया, ठीक है। आपका ये ग्लोसी हो जाएगा, देखिए आपकी वो लगी है ना फॉग लाइट प्रोजेक्टर वाली, सेम हमने इसके अंदर भी प्रोजेक्टर वाली फॉग लाइट लगाई है 2 इंच की। वो ज्यादा बढ़िया, वो प्रमोशन वाली है ना वो। हाँ ये तो पेड़ वाली ये पेड़ वाली में थोड़ा नुकसान है। एम्बियंस लाइट भैया आती नहीं गाड़ी के अंदर, ओके। हमने एम्बियंस लाइट भी लगा दिया, डोर्स की कुशनिंग हुई आती है। अच्छा। और सबसे बढ़िया ऑफर, बम्पर ऑफर देने वाला हूँ किसी को, अगर बेस मॉडल वाले ये डेल्टा वाले व्यूअर्स देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी डोर्स की ये वाले पैनल चाहिए ना ओरिजिनल मारुति की, जैसे लेदर फिनिशिंग ये वाली आ रही है, ये पियानो आ रहा है, तो पूरी डोर्स की चारों ट्रिम भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आप हमसे ले सकते हो। इसमें पूरा डोर चेंज होता है या डोर चेंज नहीं होगा भैया, बस ये ऊपर का जो पैनल है ना ये, हाँ। ये वाला पैनल ही चेंज होगा बस। ओके अच्छा भाई, टॉप मॉडल में भी ये नहीं आता? हाँ ये नहीं आता टॉप मॉडल में, ये देखो। अच्छा, हाँ। ये टॉप मॉडल में हम तो अपने हिसाब से कर देते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट बढ़िया लगता है यार वो भी ना। ये हाफ ऑफ वाला होता है, ग्लोसी लगता है, और ये कुशनिंग देख सकते हो प्रॉपर टॉप मॉडल। अगर ऐसी लेदर फिनिशिंग चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है पूरा। ओके सारे टूटे साइज इसमें तो आता ही है भैया, डेल्टा में नहीं आता, डेल्टा में भी आता हाँ, नहीं आता डेल्टा के अंदर। अगर ट्विटर से बात की जाए तो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्विटर, आप अपने हिसाब से स्पीकर जो भी लगा। नहीं मेरे में तो लगा लगाया है सारा। वो आपका 2023 मॉडल है, 22 मॉडल में तो बहुत फीचर्स आते थे, अब तो काट दिया कंपनी वाले ने, कॉस्ट कटिंग कर दिया पूरा, मैट डाल दिया हमने नीचे, क्रोकोडाइल फ्लोरिंग 1/70 or 1/12 मैट डाल दिया इसके अंदर, और नीचे की पूरी हमने कर दी डैम्पिंग, फ्लोर डैम्पिंग कर दिया पूरी। ये हल्की सी झलक नहीं दिखा सकते ना ऐसे, झलक अब भैया खुली वीडियो में तो आ गई थी, वो तो है। पूरी फ्लोर डैम्पिंग है, डोर्स डैम्पिंग है, डबल लेड छत डैम्पिंग है, पूरे कंप्लीट डैम्प रहने वाले। शॉर्ट तो ले लिया था उसमें, वो शॉर्ट में आप जाके देख सकते हो, उसमें पूरा ही कंप्लीट है। और बात की जाए अंदर से कुछ भी चेंजेस नहीं है भैया, ना स्पीकर चेंज है ना डिस्प्ले चेंज है। 9 इंच का डिस्प्ले रहने वाला है, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस अपना फीचर्स के साथ। अगर 9 इंच चाहिए किसी को टॉप मॉडल ओरिजिनल ग्रैंड विटारा वाला, वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। 7 इंच चाहिए डेल्टा वाला, वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ओके दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मात्र कितने का? ये तो भैया 50-60 के ऊपर जाएगा, हो जाती है वायरिंग तो ऊपर चली जाएगी, 50-60 से ऊपर जाएगा ये वाला। वायरिंग सब मिल जाती है 9 इंची वाली में भैया, जैसे माइलेज शो की नोटिफिकेशन होती है ना ये। हाँ ये माइलेज शो की नोटिफिकेशन आपके बेस मॉडल में नहीं आएगी। अच्छा या आप डेल्टा वाली स्क्रीन लगाओ या आप अपनी जेटा अल्फा वाली स्क्रीन, डेल्टा वाली गाड़ी है तो 9 इंची का लगाना तो लग जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। नहीं उसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं उसमें नहीं लगेगा, बेस मॉडल में लग जाएगा, क्योंकि बेस और डेल्टा वाली की वायरिंग दोनों लगा रही है अब। चलो भाई उसमें नहीं लगता, ठीक है ठीक है।
तो डेल्टा वाले में तो डेल्टा ही, अगर आप आफ्टर मार्केट जैसे अपनी 9 इंच की डिस्प्ले लगाना चाहते हो तो वो लग जाएगा आपका। ओके ठीक है। कुस्टिंग तो 6 पीस की किट इसमें इंस्टॉल हुई भी आती है भैया, ठीक है। लेदर सॉफ्ट टच ये हमने करा, ये हमने करा, ये नहीं आता, ये हमने कर दिया कुस्टिंग पूरा। बिल्कुल भाई, सीट कवर देख सकते हो कंपनी के कैसे आते हैं, ये एयरबैग कंपेटेबल इस टाइप के आती है। जैसे हमारा क्या होता है, प्रॉपर हम पूरा पैनल बना के देते हैं और बीच की गैपिंग कर देते हैं या वहाँ पर नॉर्मल कच्ची सिलाई से कर देते हैं, जिससे प्रेशर जो है वो फास्ट हो जाए। ठीक है। तो एक डैश कैम भी तो लगाया तुमने? नहीं, डैश कैम मैंने नहीं लगाया। इसके अंदर अगर बात की जाए तो क्रूज इंस्टॉल हुआ ही होता है, अगर क्रूज आपको लगाना है क्रूज आपको मिल जाएगा हमारे पास। सनग्लास होल्डर इसके अंदर पहले से फिटमेंट आती है, सनग्लास होल्डर के भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल बेस मॉडल की। IRVM मिरर, मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जेटा मॉडल में जो जो आता है वो आप अपने बेस मॉडल में लगा सकते हो, एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या अपग्रेड करवा सकते हो। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, यूवी कट ग्लास मिल जाएगा आपको, वाइपर मिल जाएगा और आपका 9 इंच 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगा, IRVM मिरर मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, क्रूज चालू हो जाएगा। ये जो आपकी फ्यूचर से जो जेटा मॉडल में आते हो ऐड ऑन करवा सकते हो आप अपनी बेस मॉडल के अंदर भी, ये सारे फ्यूचर। रूफ ब्लैक हो गई, रूफ रेल लग गया, ये सारा। और सबसे बड़ी बात, आप अलॉय व्हील भी ले सकते हो आप हमारे से, पूरे हाँ पूरे बेस टू टॉप मॉडिफिकेशन करवाओ और रीजनेबल प्राइस के अंदर सारी चीज आप लेके जाइए हम हमसे। ठीक है भाई, ठीक। बस आफ्टर और रह गए लाइटिंग सॉल्यूशन, ग्रैंड विटारा, जेटा मॉडल वाले जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं जेटा डेल्टा से ऊपर वाले, हाँ। तो उनके लिए एक बेस्ट बम्पर ऑफर रहने वाला है लाइट सॉल्यूशन के लिए, ये भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो एंडिंग करते हैं फिर, बिल्कुल वीडियो का एंड करते हैं। तो बचा ही नहीं अभी, बिल्कुल टॉप थी तो टॉप में क्या, ये बहुत टॉप में तो बस ये दिखलाना था कि भैया लाइटिंग सॉल्यूशन और बेस मॉडल वाले भी, बहुत से व्यूअर्स के क्वेरी होती है कि कैसे क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो उनको दिखलाने के लिए वीडियो था। कैसा लग रहा है, अजीब सा ना ये डैश कैम, हाँ। ये तो भैया ने पहले ही लगा लिया, ऐसा लग रहा है कैमरा ही लगा हुआ है। बिल्कुल छुपा के लगाने चाहिए वैसे तो, ये हमने नहीं लगाया भैया, ये देखो ना कहाँ लगा दिया। ये देखो ये भारी लगा दिया, अब किसी के काम को लाइट जलतेगी इसके अंदर, अब वो किसी के काम को अब गलत भी नहीं बोल सकते, जैसा उनको वो वैसा कर दिया उन्होंने। ठीक है, बताओ अपनी लोकेशन। भैया लोकेशन रहने वाली करोल बाग जोशी रोड, ऑटो क्लासिक, गूगल पे सर्च करो डायरेक्ट लोकेशन पे आओगे आप। ठीक है, एक बार बताइए कॉन्टेक्ट नंबर। 9540544613। एक बार रिपीट कर दो, 9540544613। कर दे एंडिंग। बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है? नहीं बोल रहे भैया, नहीं ये कस्टमर नहीं है। ये झूठ तो कम बोला करो, वो रे आपको कह रहे हो आप बोलो नहीं है। चलो भाई करते हैं फिर वीडियो में, फिर एड्रेस को बताया था तुमने, एड्रेस भैया करोल बाग जोशी रोड। क्यों बताया था ये कह रहा हूँ, एड्रेस किस लिए बताया था? हाँ क्यों बताया था, हमारे व्यूअर्स आएंगे वीडियो देख के, पहले आपने बोला एड्रेस बता दो। क्या बता दो? एड्रेस बता दो भाई, करते हैं फिर वीडियो एंड। बिल्कुल जी, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके टिल देन, बाय, चंगा जी।